200 स्पीड ऑफ मैच कवर करने वाले नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज ए के बीच जो कि सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा। अगर आपने फर्स्ट T20 खेलेंगे मेरे साथ तो जो से विन क्यूंगे, मैंने आपको जैसा बोला था जिससे टीम क्रिएट करने के लिए सेम मैच वैसे ही है ना। मैंने बोला था रोस्टन चेस सबसे बेस्ट कैप्टन रहेगा टीम की तरफ से और वही हुआ। इसीलिए बोलता वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। अभी से वीडियो को लाइक करने, क्योंकि हर किसी को ऐसा वीडियो नहीं मिलता है और 30K बहुत जल्दी होने वाले यूट्यूब पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला काम कीजिए सेकेंड मैच है तो टेंशन फ्री रहो, टेंशन ना लो। 12 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा मैच है, प्रोफेशनल मैच है, अच्छे तरीके से खेला जा रहा है। तो पाई टीम की टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर अभी के टाइम करंटली 32,000 से ज़्यादा लोग, लेकिन जब तक आओगे ये नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक 100% वर्किंग कंडीशन में, तो आप जो उससे ज्वाइन कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स से जाना, लिंक पिन कर रखा उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर, सर्च करना तो सर्च भी कर सकते हो, सिंपली टेलीग्राम के सर्च मार जाना, सर्च करना एफलेन टीम, एफलेन टीम बिना स्पेस देकर सर्च करो कि ना, बिना स्पेस एफलेन टीम तो चैनल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा सर्च करने से अच्छा है कि आप सीधा कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा। 32,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे, जहाँ आप लोग डेली विन करते, और आपने ये वाला रील तो देखा ही होंगे कि वेस्ट इंडीज के लिए मतलब कि छोटा हाथी भेज दिए नोगरे पिकअप के लिए, मतलब ये रील आपने देखे होंगे जो उसे, मतलब लिटरली कार वगैरह भेजना चाहिए इनको लाने के लिए। देखो थोड़ा सा चलिए आप टेलिया पर आकर देखना, वो एंड इंपॉर्टेंट चीज़ में आते हैं, क्योंकि वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फैन कोड ऐप ओपन करते फटाफट से अपना, ये रहा मैच, अच्छा कोई खराब नहीं है ठीक ना, ये मत सोचा करो। हाँ ग्रैनली टारगेट करो, ग्रैनली खेलो, दबा के इन्वेस्टमेंट तो मना नहीं, ग्रैनली में आप जितना इन्वेस्टमेंट करना करो। स्मॉल लीग की टीम भी मैं आपको देता हूँ, ग्रैनली की टीम भी आपको देता हूँ, जो एडवाइस दे रहा उसको बस फॉलो किया करो। और ये अपना ना जो इंटरनेशनल मैचेस को भी मैं कवर करूंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल अभी से फोकस करते हैं वेस्ट इंडीज ए टूर ऑफ ये नेपाल ना, तो ये सेकंड मैच है। फर्स्ट मैच की अगर हम बात करें, मैं लास्ट मैच स्कोर कार्ड पे फेंक करूँ, मैंने बोला था रन ज़्यादा बनेंगे बनेंगे भाई, लेकिन नेपाल की टीम कैसे जीती सोचो। ये थोड़ा मैच कीर्तिपुर में था, अच्छा ये मैच भी कीर्तिपुर में ही होना चाहिए, अगर काठमांडू में होगा तो देखा जाएगा, रुको पहले देख लेते विकेट देख लेते उसके हिसाब से, क्योंकि देखो मुझे ना कोई मतलब कि देखो कीर्तिपुर में ही है, और कीर्तिपुर का विकेट आपको पता है कैसा विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहता है, 60 या फिर 65 मीटर की बाउंड्री, इससे ज़्यादा नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम पावर हीटर्स लगे हुए, आपको पता ही है रन कितना ज़्यादा बनेंगे, लेकिन फिर भी नेपाल की टीम जीत गई यार। मतलब नेपाल एक ऐसी टीम है मतलब कुछ भी कर सकती है भाई, 150 रन भी एक टाइम होता है तो 150 रन भी नहीं बनते, अब होता है तो 200 रन भी मार देते लोग, अलग ही बात है भाई इनकी। तो नेपाल की टीम का सबसे पहले बैटिंग और नेपाल के क्लियर कर देता हूँ, अनिल शाह विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग इन प्लेस ऑफ आसिफ शेख, आसिफ शेख नहीं है अनिल शाह है, जो कि उतने बड़े टेक्निकली बड़े प्लेयर तो नहीं है आसिफ शेख जैसे, लेकिन अनिल शाह ठीक ठाक खेल लेते, उतने बड़े प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, बड़े नहीं खेल नहीं पाते उतने, कभी कल 66 रन में देख लेता हूँ, लेकिन जितने रन स्कोर करते नहीं जनरली। कौशल पटेल होप इनसे बहुत था कि ये चलेंगे, क्योंकि सामने पावर हिटर्स की कमी नहीं है, तो इनको बल्ला चलाना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए, मात्र 16 रन पे ही आउट हो गए। रोहित कुमार जो कि अकेले टीम को संभाले 112 रन पे, अकेले टीम का साथ दिए, मतलब लिटरली इस बंदे ने इंप्रेस कर दिया, और मैंने बोला भी था वीडियो में कि बंदा इनफॉर्म प्लेयर है कुछ भी कर सकता है। कौशल मल्ला साथ देने आए थे फोन पे, मैं बोला था हिटिंग के लिए प्रमोट हो सकते हैं, वही हुआ फोन बैटिंग करने आए। दीपेंद्र सिंह यार फिर ना बैटिंग बैटिंग के टीम का एक सही प्लेयर है, एक इनफॉर्म प्लेयर, बंदा क्या ही बोले, मतलब बैटिंग वाली दोनों से इनफॉर्म है। विवेक यादव जो कि टीम से आए थे बैटिंग के लिए, बट इनका फॉर्म बहुत खराब चला, मैं आपको पहले ही इनके वीडियो में बता दिया था वीडियो में। गुलशन झा जो कि टीम से, एक टाइम होता है बंदा को फोन बैटिंग मिल जाता है तो मार लेता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि जब मैं पिक करूंगा तो स्कोर करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, परफॉर्म ही नहीं करेगा, परफॉर्म का पी भी नहीं करेगा, मतलब क्या ही मैं बोले इस बंदे का फॉर्म में, मतलब जब मैं पिक करता तो इसका फॉर्म खराब हो जाता है, TGC वगैरह तो बैटिंग और इनका तगड़ा ही, कोई कमजोर नहीं, बस कौशल ब्रुटेल नहीं चला, कौशल मल्ला चल जाता है, दो चल जाते तो और जल्दी चीज हो जाता, बड़े दो चले ही नहीं। चलो छोड़ो इनका बैटिंग ऑर्डर, वैसे एकदम क्लियर बैटिंग ऑर्डर। बॉलिंग से बात करें तो कमल सिंह जो कि टीम से अच्छा प्लेयर, कमल सिंह एरे जनरली विकेट टेकिंग बंदा, लेकिन लास्ट मुझे 17 की इकोनॉमी से बॉलिंग, 17-18 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया, तो आप इससे समझ लो कि बंदा कितना महंगा साबित किया था भाई, फिर भी एक विकेट ले गया। ललित रजवंश डेथ ओवर के लिए जान जाते हैं टीम तरफ से, विकेट लेस गए। दीपेंद्र सिंह यारे तीनों बॉलिंग के एक विकेट ले गए, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की, ये अच्छी बात है, पटेल जिससे उनसे भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कौन सा विकेट लेस गए, किस्मत का। रोहित कुमार एक ओवर बॉलिंग के लिए, कौशल पटेल 2 ओवर, अविनाश बोरा 4 ओवर बॉलिंग के, बंदा है अविनाश बोरा का फॉर्म अभी मतलब थोड़ा सा सही चल रहा है पर्सनली बताओ तो, लेकिन ये बंदा की पिटाई बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लास्ट में सबसे कम पिटाई इसी की हुई है, इतना याद रखना भाई, सबसे कम पिटाई यही है। उसके अलावा इनकी बात करें तो एलिक ओपन की तो टीम से 47 स्कोर के हमने पिक किया था, जोसन चार्ल्स ये बंदा हिट नहीं तो मिस,
जीरो रन पे आउट हो गया, लेकिन मैंने कैप्टन नहीं किया था भाई। उसके अंदर फ्लेचर को भी मैंने कैप्टन नहीं किया, रोशन चाहिए जो कि अपना कैप्टन था टीम तब से कैप्टन से करे फोन ना बैटिंग करे, और क्या ही चाहिए भाई। कैशी कैटी भी है टीम से फिर ना बैटिंग करे, करीम आलिन भी है तो ठीक है इनका बैटिंग क्योंकि कमजोर है, कीमो पोल हर एक बंदा मतलब इनके बॉलर्स वगैरह निकाल लोगे ना तो भी हिटर ही है। जी मोटी को दे दोगे बैटिंग कर लेगा, इनके प्लेयर्स मतलब कि ऐसे ही ना कि बैटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, सब पावर हिटर्स है। एलिक पावर हिटर, जॉनसन चार्ल्स बड़ा सबसे बड़ा पावर हिटर, अंदर फ्लेचर उससे भी बड़ा पावर हिटर, रोस्टन चेस पावर हिटर, हालांकि रोस्टन चेस थोड़ा सा इनफॉर्म बल्लेबाज भी है, लेकिन ये अंदर फ्लेचर जॉनसन चार्ल्स अंधे को तरह खेलते हैं बिल्कुल, मतलब कि ऐसे खेलते हैं ना आउट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता एकदम, अब इतना मारते हैं मतलब पूछो मत छोड़ो। उसके लिए बॉलिंग से बात करें तो न्यू से स्टार्ट करते हैं मैथी फोर्ड जो कि टीम से, मैथी फोर्ड चारों बॉलिंग के 2 विकेट चटकाए, ओबेड मकई जो कि टीम से चारों बॉलिंग के 2 विकेट, स्टार्टर जो फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग किए थे वो दो दो विकेट लेके गए भाई, अच्छी बात है। वोसन थॉमस जो कि टीम से दहते बॉलिंग की, ये बंदा बहुत पुराना प्लेयर है लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज एक ही टीम में खेले पता नहीं क्यों, जबकि सबसे बहुत पुराना बॉलर है हमेशा दहते बॉलिंग करता है। रोस्टन चेस फोना बैटिंग की टीम से, मोटी जो कि टीम से काफ़ी अच्छा प्लेयर है बट फिर भी विकेट लेस गया, कीमो पोल कब से 1 विकेट तो लिया भाई सिर्फ 2 ही ओवर में। लेकिन एक ख़राब बात मुझे लगा कि भाई एटलीस्ट मतलब कि इनकी जो बॉलिंग है ना, मोटी यहाँ पे सबसे अच्छी बॉलिंग करता था लेकिन वो विकेट लेस गया, कीमो पोल हमने कवर तो किया था लेकिन बहुत महंगा भी गया था ना यार, सिर्फ एक ही विकेट मिला। थोड़ा सब चीज़ें बाकी टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, पार्टी के लिए 32,000 से ज़्यादा लोग हैं कुछ नहीं करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। एंड अब बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस जो वीडियो सबसे मेन पार्ट है गाइस, अगर आप ना मतलब कि इस तरह से वीडियो देख रहे हो तो एक वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपको कुछ नहीं लगता वीडियो लाइक करें लेकिन लाइक हमारे जरूर से ऐप कर पर देना। आप और पाएंगे हाँ हर चैनल मैच सब्सक्राइब के कर, लिए 30K यहाँ पे नंबर विस्तृत जल्दी और से कंप्लीट कर लो भरोसेमंद ठीक है, प्लीज यार प्रेडिक्शंस। कोई बड़ा टारगेट नहीं अपने तो लिए, फिर इंतजार और किस आना ये बात का? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑल जैसे क्रिक आओगे के इस साथ पहले लिंक पे बने क्लिक करो, क्रिकेट के टेलीग्राम चैनल सच्चे ज्वाइन करना, ज्ञानी एक छोटा सा काम करो इस ऑल मोर वाले क्रिक सेक्शन पे डाउनलोड क्लिक की करना, और इस मोर क्रिकेट वाले के सेक्शन हर पे क्लिक पल का करोगे आनंद फिर इस उठाइए। मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करना, ऊपर टेलीग्राम का लिंक है और नीचे आओगे तो आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा जो कि हमारी खुद की फैंटेसी ऐप है, आप इस लिंक पे क्लिक करना, फैनवर्स नाम है हमारी खुद की फैंटेसी एप्लीकेशन है खुद की, हम आपको बोनस नहीं रियल कैश देंगे रजिस्ट्रेशन पे, इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे नाम है फैनवर्स वेट नहीं वेरीड कर हमारा टैगलाइन है, और अपनी खुद की ऐप है, हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके अलावा हमारी खुद की ऐप है सबसे बड़ी बात। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए उस लिंक पे क्लिक करें जैसे मैं क्लिक किया था, आप प्री रजिस्टर ऑप्शन इस पे क्लिक करना, उसके लिए अपना यूजर नेम मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लो, सक्सेसफुली आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। ये 3 चीज़ें फिलअप करो तो इसके बेनिफिट सुन लो, आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाओगे प्लस आपको रियल कैश मिलेगा, तो जल्दी से रियल कैश के लिए आप हमारा ऐप जरूर से ट्राई करें, क्योंकि हम आपको किसी तरह बोनस नहीं देंगे 100% रियल मनी देंगे जैसे आप विड्रॉ तक इवेंट कर सकते खेल के, तो जरूर से आप कंप्लीट कर लीजिए, बस कुछ नहीं लिंक पे क्लिक करो, प्री रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना रजिस्टर्ड पे, उसके लिए इस पे क्लिक करना सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगा, हमारी खुद की ऐप है भाई तो जरूर से कर लेना, 1,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड कर चुके सभी को रियल कैश मिल रहा है, और आपने नहीं किया तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना। एंड बात करते प्रिय भाई संजय से, बात करें कि कीपर शिन देखो यार बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट करते हैं, इतना एफर्ट्स लगाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक करने पर जो मत करना प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब पर सेट कर दो जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब जो कर लेना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, 30 का टारगेट जल्दी से कंप्लीट करना है, और ऐप पे भी 5-6 हज़ार लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा यार, तो अपनी खुद की ऐप है तो रजिस्टर्ड जो कर लेना, प्री इंस्टॉल ऑप्शन इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर्ड जो कर लीजिएगा भाई, हमारी खुद की ऐप है आपको रियल कैश मिलेगा खेलने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक उस पर क्लिक करके जो कर लेना। एंड अब बात करते हैं जॉनसन चार्ल्स अंधे फ्लेचर ड्रॉप करना बेवकूफ़ी, क्योंकि इनमें से कोई एक भी चल गया तो पहली बात तो दोनों अंधों की तरह खेलते हैं, मतलब इतना मतलब मारते हैं ना पावर हीटर से कुछ बोलो ही मत, ये लोग T20 में मतलब सेंचुरी मार देते हैं दोनों, तो वही बात ही खत्म करो भाई यहाँ पे। तो मार्क दयाल खेलते तो जूसे पे के कैटी कितना बैटिंग कर रहे हैं, रोहित कुमार पिक कर लेते हैं, कौशल पटेल जैसे उन्होंने कल पिक किया था उसी तरह से पिक करके चलते, क्योंकि हालांकि एलिक भी कवर कर लेते क्योंकि एलिक बॉलिंग कर रहे हैं, सॉरी एलिक ओपनिंग कर रहे हैं 47 स्कोर के, कौशल इसलिए पिक किया क्योंकि पावर हीटर है टीम से थोड़ा सा होप करेंगे प्लस बॉलिंग भी कर रहे हैं भाई, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग कर रहा है भाई। उसके अलावा 3 ही पिक करते, फोर्थ में KKT पिक नहीं करूंगा, आप पिक कर पर मतलब फिर नहीं करूंगा, लास्ट में वो टॉप ऑर्डर नहीं चले इसलिए वो मार लिया, नहीं तो उतना स्कोर करता नहीं, डिपेंडेंस यार रोशन चेस कीमो पॉल 50% सिलेक्शन है और सिलेक्शन में टीम क्रिएट नहीं करता हूँ, बट सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग के उसमें महंगे गए थे, क्वेश्चन वाला लोग कवर तो करे गुलशन झा और दिमाग खराब करने वाला प्लेयर जो कि मतलब कि जब मैं कवर नहीं करता तो फोन में बैटिंग करता और 2 ओवर में 2 विकेट लेके चला जाता है, जब मैं पिक नहीं करता, पिक करता तो कुछ नहीं करता, बॉल तक नहीं पकड़ता भाई, अब समझ लो। ओबेड मकई ऑसन थॉमस दैथम बॉलिंग का था, आप डेफिनेटली गैली टीम में कैप्टन कर सकते हो, गैली टीम में जूस इनको कैप्टन कर देना जैसे बोलो उससे टीम क्रिएट करो, अगर टीम पहले बॉलिंग थी उसको जूस कैप्टन कर लेना।
और सन थॉमस को। उसके अलावा हेडन ब्लास वगैरह देखेंगे खेलेंगे तो अविनाश बोरा चाहिए, मोटी बच्चे, मैं दोनों कवर करना परफेक्ट करूंगा। तो टीम ओवरऑल बन गया। अब कुछ लोग यहाँ पे सवाल मुझसे क्वेश्चन करेंगे कमेंट करके कि नेपाल का मैंने कोई भी बॉलर नहीं कवर किया जबकि नेपाल लास्ट मैच भिन्न करके आ रही, तो क्या ये मतलब कि कैसा कॉम्बिनेशन है? कुछ लोग बोलेंगे, मैं बता दूँ, अगर आप सोच रहे हो अविनाश बोहरा पिक, तो डेफिनेटली पिक कर सकता है। हर मैच एक विकेट लेके जा रहा है, प्लस टीम का सब पिटाई लेकिन होता है, लेकिन एक विकेट लेके जाता है। लेकिन आजकल लास्ट कुछ मैचेस में बहुत सही इसने बॉलिंग की है, तो डेफिनेट ट्राई कर सकते हो। नहीं तो ललित राजवंशी के साथ जा सकते हो, जो कि अपने मतलब कि जबरदस्त बॉलिंग के लिए जाना जाता है, दस में बॉलिंग करते हैं, काफ़ी टैलेंटेड है। तो मैं ललित राजवंशी के साथ जाता, लेकिन मैं क्या है कि इनमें से भी किसी को तो ड्रॉप नहीं कर सकता ना। आप कुछ भी एम फोर्ट ड्रॉप कर दो, एम फोर्ट पावर पे बॉलिंग करते, स्टार्टिंग में विकेट गिरेंगे, जैसे अनिल शाह का विकेट गिरना ही गिरना है, कन्फर्म है, तो एम फोर्ट लेके जाएगा। ऑब्वियस बात हम सबको पता है, तो बेवकूफ़ी में नहीं मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट पक्का जाने में, जो पावर पे बॉलिंग करेंगे पावर प्ले वाले को उन्हें पिक कर लिया, जो डेथ में बॉलिंग है उनको भी मैंने पिक कर लिया, और जो टीम से अच्छी बॉलिंग है तो उसको भी पिक कर लिया। तो मैं फालतू मत देखो पॉइंट चाहे मुझे इससे मिले या फिर इससे मिले, बात बराबर है ना, लेकिन मैं इनके साथ इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर है, ये थोड़ा सा मतलब फेवरेट हो सकती है। हालांकि कुछ लोग बोले नेपाल का स्ट्रॉन्ग नहीं है, नेपाल हाँ ठीक अच्छी फाइट दे रही है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना कि अगर टीम पहले बॉलिंग किया तो मैं ऐसा सी बी सी जा सकता हूँ भाई, इतना याद रख लेना, अगर टीम पहले बॉलिंग किया तो। लेकिन क्या रोस्टर जैसे बॉलिंग भी कर रहे फंडामेंटल चौक, देखो पहली बात तो अगर आपका किस्मत साथ देगा तो ही दोनों मतलब सेंचुरी मारेंगे, अगर आपका किस्मत साथ देगा तो। क्योंकि अगर आप जोसेफ चार्ल्स को देखो, जोसेफ जिन्हें जब जिसमें जी 0 रन आउट होता है उससे उसके बाद ये पक्का मतलब कि अच्छे खासा स्कोर करते हैं। एंड्रे फ्लेचर तो मतलब ऐसे खेलता है कुछ कुछ ही मन, क्या जबरदस्त शॉट्स लगाता है, तो ये अच्छे सी वी सी आप इन तीनों को कोई कर सकते हो, ये अच्छी है, ये दो बाई डिफॉल्ट है बट ये तीन अच्छे रहेंगे, बट सेफर साइड ये दोनों हैं, और ये पहले अगर बॉलिंग करें तो ये दोनों हैं, समझे ना सी वी सी। लेकिन क्या कहते दीपेंद्र सिंह यार फिर ना बैटिंग भी करके देंगे प्लस बॉलिंग भी कर रहे, तो अच्छा ऑप्शन है भाई, क्योंकि नेपाल के इन दो से मुझे होप होता नहीं है, हालांकि रोहित कुमार से होप है, लेकिन इससे भी होप रहेगा क्योंकि भाई इनका फॉर्म रिसेंटली जबरदस्त चल रहा है, मैक्सिमम मैचेस से तो ये दीपेंद्र सिंह यार ही मैन ऑफ द मैच जाते हैं नेपाल के। खेल स्मॉल ही टीम है बट आप रैली में भी यूज़ कर सकती है, स्मॉल ही टीम है लेकिन स्मॉल ही में यूज़ करो, रैली खेलना है तो रैली हम देखो कैसे कॉम्बिनेशन करेगा, इनको कैप्टन करना इनको करना, समझ गए ना, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो इनको करना, अगर टीम पहले इन सबको रोटेट करो सी वी सी, जितने भी प्लेयर्स लिए हो सबको रोटेट करो सी वी सी, इजिली रैली कनेक्ट कर जाओगे। मैं ज़्यादा टाइम बंद ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं करना चाहूँगा, ये स्मॉल लीग की टीम है, सेम डे बुक कर दो, बट आप डेफिनेटली रैली टीम खुद से बना सकते हो इस वीडियो को देखिए, अगर आपने देखी होंगी तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर लास्ट के अगर अभी से आपने 7-8 मिनट अगर वीडियो में दी होंगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी टीम क्रिएट करने वाले हो, इसकी गारंटी है। तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी टीम आप क्रिएट कर लोगे, जैसा कॉम्बिनेशन आप होते हो, ये टीम भी बहुत परफेक्ट है, मतलब लिटरली मुझे जहाँ स्पॉट्स चाहिए सारे जगह स्पॉट्स मिलने वाले हैं। हाँ बस नेपाल का कोई ऐसा बॉलर टीम डैमेज ना कर पाए, सारे प्लेयर्स हैं अपने पास, समझ गए ना। चलो मिलता टेलीग्राम पे, कोई डाउट होता चाहिए कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स लिंक में उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ जरूर से हमारे खुद की फैंटेसी या फिर रजिस्ट्रेशन यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर का ऑप्शन है, रजिस्टर पर क्लिक करके कर लेना, हार्डली 20 सेकंड में ही लगेगा, और सबसे जरूर से कर लेना, 30 जल्दी कंप्लीट करने हैं, और वीडियो देखने दिल से धन्यवाद।